हेलो स्टूडेंट्स, केस स्टडी का क्वेश्चन करेंगे। क्लास 12th, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए शॉपकीपर सेल थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावर सीड्स, A1, A2, A3। देर आर सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर, वेयर द प्रपोर्शन ऑफ दीज सीड्स आर दीज। 4:4:2 के प्रपोर्शन में इनको मिक्स कर दिया गया है। द जर्मिनेशन रेट ऑफ दीज थ्री टाइप्स ऑफ सीड्स 45, 60 एंड 35 रेस्पेक्टिवली। इन सीड्स के जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, परसेंटेज गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, तीन इवेंट ले लेते हैं, E1, E2 एंड E3। इवन इवेंट ले लेते हैं कि फ्लावर सीड A1 है, ये A2 और ये A3, ठीक है। और एक इवेंट ले लेते हैं ए, जर्मिनेशन की, जर्मिनेट, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे क्वेश्चन का। या हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं सारी। P1 है यहाँ पे 4/10, ठीक है। और PE2 भी 4/10, और PE3 है 2/10। इसके बाद ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे हमें गिवन है, जर्मिनेट A/E1 का मतलब E1 फ्लावर सीड जर्मिनेट होगा, उसके चांस है 45%। तो 40/100, और A/E2 60/100, और A/E3 35/100। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, अब हम देखते हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी रैंडम सूजम सीड विल जर्मिनेट। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमने फ्लावर सीड लिया वो जर्मिनेट होगा। तो इस नीचे कर देते हैं इसको, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा। जर्मिनेट का मतलब जी, जी हमने ए को माना है, मतलब पी ए फाइंड करना है, ठीक है। तो पी ए का मतलब पी ई A/E1, PE2, A/E2, PE3 और A/E3, सब कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे बस हमें वैल्यू पुट करनी है। 4/10 इंटू 45/100, 4/10 इंटू 60/100, एक बार चेक भी कर लेते हैं, 60 है हाँ, और 2/10 इंटू 35/100, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 तो नीचे है ही, ऊपर 180, 240 एंड 70 ऐड कर लेते हैं। 180, 240 और 70, 490, तो 490/1000, 0.49 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ A2 जर्मिनेट सीड टाइप ऑफ A2 गिवन दैट जर्मिनेटेड, मतलब A नीचे आएगा और E2, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें हमारी बेस थ्योरम लग जाएगी, ऊपर आएगा PE2 A/E2 और नीचे PA, ठीक है। तो PE2 आएगा यहाँ पे, तो E2 कितना है, 60/100, 4/10 इंटू 60/100 और अपॉन में 49/490, ये ऐसे लिख दिया हमने ताकि ये पूरा पूरा कट जाए। तो 240/490, 0 से 0 कट गया, तो 240 वो 24/49, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये केस स्टडी का बेस जोन बेस थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा।
स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी प्रोबेबिलिटी की, केस स्टडी की स्पेशली, जिसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।